Back from the dead. हेलो फ्रेंड्स, चित फिटनेस चैनल पाकुर नदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं फिर से एक नए अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ महाराष्ट्र के जो है नई अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन जो है वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो गाइडलाइन बताने से पहले, अगर आपने अभी तक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके साथ में आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो फ्यूचर में कभी भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन चले जाए, आप जो है मेरी वीडियो कभी मिस नहीं पाए कर पाए। चले गाइस, बात करते हैं महाराष्ट्र के जिम के बारे में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में क्या है ऐसी का गाइडलाइंस आ चुकी है जो कि इस सितंबर से लागू होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उद्धव ठाकरे जी है, उन्होंने जो है पहले ही हमारे जिम के रिलेटेड जो है उन्होंने बोल दिया था कि विद इन 1 वीक में जो है आप जो है हमें एक नई गाइडलाइन बना के दीजिए, जो गाइडलाइन जो है आप हमें सेंड कीजिए, जिसके बारे में हम जो है उस गाइडलाइन के बारे में हम सोचेंगे और कुछ डिसीजन लेंगे जिम को रीओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये जो अनलॉक 4 की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस अनलॉक 4 के में जो गाइडलाइन जो आई है उसमें जो है हमारी जिम के बारे में जो है कुछ भी जिक्र नहीं है, क्योंकि आप सभी बताए कि CM जो उद्धव ठाकरे जी उन्होंने पहले ही हमें बोल दिया है, ठीक है, जिम को रीओपन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनलॉक 4 में जो है क्या रीओपन होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अनलॉक 4 में जो है होटल्स और जो लॉट्स है उन्हें जो है 2 सितंबर तक जो है गवर्नमेंट ने जो परमिशन दे दी थी कि रिस्टार्ट रीओपन करने के लिए सिर्फ ट्रायल बेसिस पे। ठीक है, तो आप जो है उनको जो है गवर्नमेंट से फिर से कितना 7 सितंबर तक जो है उन्हें परमिशन दे दी गई है कि ट्रायल बेसिस पे उन्हें स्टार्ट चालू रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो है अनलॉक 4 में जो है क्या नहीं खुलने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, जो हमारे जो सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, उसके बाद जो है रेस्टोरेंट्स बार, उसके बाद जो है हमारे स्विमिंग पूल, उन्हें जो है अभी भी जो उसके साथ साथ जो है स्कूल कॉलेजेस ऑनलाइन जो कोचिंग क्लासेस जो है वो सब को जो अब 30 सितंबर तक जो है उन्हें जो है बंद रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अनलॉक 4 में जो है उनको भी बंद रख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि जो आप जो आर्टिकल में जो ये अनलॉक 4 का जो आया है, तो मैं आपको स्क्रीन पर जो है उस आर्टिकल का पिक भी दे दूंगा। अगर आपको पूरा आर्टिकल जो पढ़ना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो उस आर्टिकल का लिंक भी दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ पर जाके पूरा चेक कर सकते हैं कि अनलॉक 4 की क्या क्या गाइडलाइंस आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल जो है आपको सिर्फ बेसिक जो है बता दिया है जो कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं जो है जब भी मैं कोई वीडियो लेके आता हूँ तो भी प्रूफ के साथ ही लेके आता हूँ। काफ़ी लोग जो है मुझे जो बोल देते हैं, भाई तू क्या लेके आता है, ये फेक न्यूज़ है, ये न्यूज़ है, वो न्यूज़ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए प्रूफ के साथ साथ मैं प्रूफ भी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप तो स्क्रीन पर देख सकते हैं वो प्रूफ। अगर आपको प्रूफ पहले दिख नहीं रहा तो आप जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस आर्टिकल का, जिस आर्टिकल में जो ये न्यूज़ आई है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले भाई बता देता हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो जो बहुत जल्द से हमारे जिम जो है रीओपन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो है सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है सिर्फ वेट कर सकते हैं कि उनके निर्णय का। ठीक है, कि क्या उनका जो जिम के रिलेटेड जो क्या डिसीजन आता है वो तुरंत मैं जल्द से जल्द मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सब तो उसके लिए जो है आपने अभी तक भाई के चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक के साथ में बेल को प्रेस करके रख दीजिए, क्योंकि जिम के रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती है या फिर जिम के रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ आती है जो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है। ठीक है, तो मेरा फर्ज है जो आपके पास न्यूज़ को पहुँचाना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारी छोटी सी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज मुझे आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जिम के रिलेटेड क्या क्वेश्चन है आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि ठीक है दोस्तों कि महाराष्ट्र में जिम खुलेंगे या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, बाय बाय।